लवली पीपल एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कल्पना, दिस इज कल्पी कॉर्नर। तो एक अनप्लान्ड जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई थी लखनऊ टू हल्द्वानी वो कंप्लीट हो गई। हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके थे आज सुबह और दिन भर हम लोग सोए बिल्कुल मस्त, क्योंकि बिल्कुल अनप्लान्ड जर्नी थी। ये क्या आ गया मेरे ऊपर, अनप्लान्ड जर्नी थी, पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग फाइनली हल्द्वानी आ चुके हैं और दिन भर हम लोग ने पूरा रेस्ट किया। अभी हम लोग शाम को बिल्कुल ऐसे ही घूमने के लिए निकले कुछ काम के लिए, तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद व्लॉग स्टार्ट करने का मेरा मन होने लगता है। तो अभी हम लोग आए हैं, कहाँ आए पू, देखो हम लोग आए हल्द्वानी, तो पता है आए कहाँ पे हैं। ये जगह का नाम क्या है, मंगल पड़ाव हम लोग आए हुए। तो यहाँ पे दृष्टि आई है, हैप्पी आए हैं, यू भी आया है, पीछे गाड़ी है और वो भैया जी लोग आए हैं, वो भी शायद कहीं गए कुछ काम से। और यहाँ पे हम लोगों की अभी फालूदा पार्टी होने वाली है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट्स दिखाती हूँ। बाकी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो आपको तीन चार दिन के ब्लॉग तो दिखेंगे दिखेंगे, बिल्कुल मस्त बैक टू हल्द्वानी अनप्लान्ड। तो यहाँ पे मस्त हमारा फालूदा पैक हो रहा है और ये ना जीजा जी ने बोला हम लोगों को कि फालूदा पैक करा लो, क्योंकि यहाँ का फालूदा वो ट्राई करके देख चुके हैं, खाते हैं नॉर्मली तो उनको टेस्टी लगता है। तो उन्होंने कहा ट्राई इट, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो हमने कहा व्हाई नॉट, अगर आप कहोगे तो क्यों नहीं हम ट्राई करेंगे। बाकी तो यहाँ पे हमारे कौन, ये भी बोल यार कुछ तो बोल, कुछ तो स्टार्ट किया कर। ये इतना शांत जाता है ना, इतना मासूम सा चेहरा दिखा इधर, इस मासूम के चेहरे के पीछे ना क्या क्या छुपा हुआ है, यू भी क्या क्या छुपा हुआ है, मुखौटा तो हटा दे। तो ये बिल्कुल शांत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इतना शांत बिल्कुल नहीं है। और बाकी यहाँ पे बैठी हुई है, कुछ बोलोगी, हम यहाँ आए आपको कैसा लगा, मत करो मैं अच्छी नहीं लग रही। हम यहाँ आए आपको कैसा लगा, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को यहाँ नहीं आना। मैंने बोला हम यहाँ आए आपको कैसा लगा, हाँ लखनऊ से हल्द्वानी आए आपको कैसा फील हुआ। अभी मेरे को मजा तब आएगा जब मैं लखनऊ चलूंगी, भगवान अभी मजा नहीं आ रहा है। और बताइए आप पुरानी सिटी में आ गए हो अपनी, तो आपको कैसा लग रहा है बाबू, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इतने अजीब से मूड से क्यों बोल रहे हो, बहुत अच्छा। आपका बोलना और आपका एक्सप्रेशन मैच नहीं खा रहा। बाकी ये है यहाँ का अभी का टाइम, यहाँ पे हम लोग आए हैं खाने के लिए। और दूसरी बात ना, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है ना कि यार हम लोग यहाँ पे कितना टाइम निकले हैं यार, कितने टाइम हम लोग गए हैं आए हैं, तो सारी की सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। बाकी मौसम जो है यहाँ का बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर। तो गाइस हमारे फालूदा जो है वो पैक हो चुके हैं, हमने दो दो करके पैक करे हैं, तो ये देख सकते हो आप कुल्लड़ में फालूदा, और बिल्कुल बहुत टेस्टी गाइस यहाँ पे का फालूदा। ऐसा चीजा जी ने बोला है, मैंने भी उनका ट्राई नहीं किया, तो मैं पहली बार यहाँ का ट्राई करने वाली हूँ। बाकी हम लोग उसको घर जाकर फिर से फ्रीज करेंगे, फिर खाएंगे, है ऐसा ही। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे जीजा जी और ये कर रहे हैं पेमेंट। आज जीजा जी का भी टेस्ट है कि फालूदा कितना टेस्टी होता है। नहीं मेरे को तो कुछ बोलना चाहोगे आप, नहीं कमेंट, आप बहुत खूबसूरत है बस, कुछ कमेंट। और हम क्या है, बहुत हम थोड़ा देखो भाई, जान है तो जहान है का। ये लोग अपना सामान छोड़ के जा चुके हैं, पैसे किस चीज के दिए भाई, लेके तो जाओ, आओ आओ आओ। यहाँ पे मेरे को, मैं व्लॉग बना रही हूँ उसके बाद भी, बावजूद भी इन लोगों ने सारे फालूदा मुझे पकड़ा दिए, और अपना देखो कहाँ जाके खड़े हो गए हैं। मेरे लिए भी आइसक्रीम लाना, और ये क्या लेके आए हो, हाँ मैं मुझे थोड़ी सी कोई भी आइसक्रीम, एक ये है तो ले, तो ली ये लो, ये क्या है, कुछ अच्छा। यहाँ पे अब आइसक्रीम पार्टी 2 होगी, अजी अजी हम पे मेहरबान है कमल, अजी अजी हम पे मेहरबान है, जो मने वो खा लो। तो यहाँ पे पहले हम लोग सब लोग अलग अलग अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम ले रहे थे, फिर लास्ट में हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज करके एक ब्रिक ले ली, तो हम लोग ब्रिक लिए, उसके बाद हम लोग निकल लिए घर को। सो वी आर बैक इन आवर कार। तो बाबू क्या हो गया, ये आप इतना लोलो क्यों फील कर रहे हो, लोलो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आज हम हल्द्वानी में हैं, और क्योंकि ये अपने अपने घर से दूर आए हुए हैं। सोचो हम अपने घर से इतने दूर आ गए, हम लो फील नहीं करते, तो तुम तो एक ही दिन में लो फील करने लग गए हो। चलो फिर बाहर चलो। बाकी अब हम जा रहे हैं सुनिधि की डिमांड पूरी करने, तो सुनिधि की डिमांड है कि हमको कश्मीरी मिर्च का पाउडर लेके आना है। तो ये पहली बार देखा मैंने डीके जनरल स्टोर, तो हम जा रहे हैं डीके जनरल स्टोर।
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग आए थे कश्मीरी मिर्च खरीदने, लेकिन फिर उसके बाद अंकल ने मुझसे कहा, अंकल नहीं, आई मीन टू से जीजा जी, एक्चुअली ना पहले मैं उनको अंकल बोलती थी तो अभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो अब तो जीजा जी हो गए। तो जीजा जी ने मेरे से कहा थोड़ा बहुत चलो बेकरी शॉपिंग कर लो, क्योंकि चाय वाय के साथ तुम्हें बिस्किट विस्किट खाना अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सोनिधि हैप्पी और हैप्पी के सारे घर वाले, आई मीन टू से मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग हैं ना, ये लोग बिना बिस्किट नमकीन के चाय पीना पसंद नहीं करते, तो वही सब चीज़ें थी। फिर हम लोग ने बिस्किट सिलेक्ट करे सारे के सारे, और बाकी जिनकी दुकान पर हम लोग आए थे ये, तो ये जीजा जी के क्लासमेट थे। ज्यादातर ना हम लोग जहाँ भी जाते हैं जीजा जी के साथ, मतलब कोई ना कोई उनको मिल ही जाता है जो उनके क्लासमेट होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके जान पहचान के होते हैं। जैसे हम लोग बनकोट में कहीं भी घूमते हैं ना, तो ऐसा होता है कि यार ये मेरे जान पहचान का है, वो मेरे जान पहचान का है, तो वैसा ही इनका यहाँ पे, ये हमेशा यहाँ पे रहे हुए हैं, तो मतलब ये भी जान पहचान का, वहाँ भी जान पहचान का, हर जगह जान पहचान वाले लोग मिल जाते हैं, और इनकी बचपन की याद ताजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि क्या क्या हम लोगों ने खरीदा, एंड देन उसके बाद हमने, ये जो दो बच्चे थे ना, ये बार बार हमको देख के हंस रहे थे, मैंने कहा लाओ तुमको भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। बाकी यहाँ पे कमल तो अपनी मस्त आइसक्रीम पार्टी कर रहा था, यही बस मजे उठा रहा था हम लोग के साथ। बताइए जनरल स्टोर में मत आना, लुटवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे इंसान जितना खर्च करना होता है उससे ज़्यादा खर्च करता है, ये मतलब वैलिड चीज़ है। जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो आप लेने कुछ एक चीज़ जाओगे और ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और फिर आपको लेने का मन और होता है, तो इम्पल्स बाइंग कही जाती है। खर्च मैंने कराया तो बात होती ना। हाँ ये भी है, ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, मैं गिर जाऊँगी। और आप इन लोगों की तो शॉपिंग ही खत्म हो पा रही है, इन लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तो अब हम आपको मिलते हैं घर जाने के बाद, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट घर जा रहे हैं ना। हरे कृष्णा मारे कार्ड पड़ा हुआ है। आज तो जीजा जी ने सुनिधि का स्टॉक पूरा कर दिया, कश्मीरी मिर्च के एक साल का सुनिधि को कलर कलर के चक्कर में 2-3 महीने भी चलाएगी। बाकी अब हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे घर जाने के बाद, क्योंकि इसके बाद हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी है, हम डायरेक्ट अब आपको मिलाएंगे सुनिधि से। तो यहाँ पे हमारा सामान फाइनली पैक हो चुका था और हम लोग निकल लिए थे जल्दी जल्दी फटाफट घर को। हम लोग अपने घर वाली वाइब में आ गए और वो रहा हमारा पोपट। पोपट कुछ बोल नहीं रहा है अभी, बिल्कुल अपने खाने में मस्त है, और यहाँ पे दृष्टि भी अपने खाने में मस्त है। तो यहाँ पे आइए सुखी जा की क्या बेसन के लड्डू, तो यहाँ पे मैं भी एक लेने वाली हूँ जो कि जीजा जी की फेवरेट है, और यहाँ पे हमारे हैप्पी जी, खाइए खाइए, नहीं जीजा जी की फेवरेट है, जीजा जी ने बोला मेरी फेवरेट है बेसन के लड्डू बेस्ट। और यहाँ है हमारे कमल जी, हेलो 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 हेलो, और अब मैं भी खाने जा रही हूँ एक फाइनली। ये देखो ये घी में बनते क्या? तो यही तो मैंने बोला घी में बनते हैं क्या, प्योर देसी घी में। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, टेस्ट उठाऊंगी, टेस्ट खाऊंगी, और सुनिधि अंदर अभी आपको उनसे भी मिलाती हूँ। और सुनिधि का खाना स्टार्ट हो गया, दिन में तो सुनिधि ने मेरे को खिलाया, वो क्या खिलाया सुनिधि, झोली बात खिलाया था, और अभी सुनिधि का बन रहा है पनीर, रोटी बनने जा रही है ये, और यहाँ पे हैप्पी क्या क्या कैसा लग रहा है आपको अपनी बहन के हाथ का खाना खाते हुए? बहुत बढ़िया। सिर्फ और सिर्फ सुनिधि है ना जो तुमको गरम गरम खाना खिलाती है। नहीं घर में भी खाता हूँ ना, घर में खाता हूँ। झूठा, इस बात का झूठा, यहाँ पे बन बन के तुरंत खा रहे हो ना? तुरंत। ओ यहाँ पे देख लो ये मेहनत है, नहीं नहीं ये कंफ्यूज मत हो ना कि इसकी मेहनत करी हुई है, ये कमल ने काट के रखे हुए हैं इतने सारे आम काट के उसने सुखाने के लिए रखे, ताकि इससे क्या बनेगा सुनिधि, खटाई ना, इससे अमचूर की खटाई बनेगी। और ये जो है ना ये सामने पेड़ है, बस यहाँ पे से जाओ, इधर गार्डन में एक पेड़ है, वहाँ से आम काट के लेके आया, वो तोड़ के लेके आया सॉरी, और फिर उसके बाद उसने इतने प्यार से चॉप करे। लड़की को देखो, इसको रात को सोने वक्त भी अपनी हेयर स्टाइल चाहिए, अपना फैशन चाहिए, ये देखो आधा घंटा हो गया इसको हेयर स्टाइल बनाते, और सिर्फ सोना है, और कुछ नहीं करना है, सोना है, खाना है, तो खाने में कोई हेयर स्टाइल बनवाता है क्या? स्ट्रीक्स बनानी है इसको बस। सो एवरीवन, यहाँ पे मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ फालूदा, तो हैप्पी और सुनिधि तो खा चुके हैं और मैं अभी बस खा रही हूँ, और दूसरी यूवी ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि इन लोगों का कल स्कूल है, तो रात को इनको ठंडा वंडा लग जाएगा, इस चक्कर में सुनिधि ने मना कर दिया, कहा कि कल सुबह खाना, बाकी सब लोग आज यहीं पर सोने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा बिस्तर लग चुका है, बाकी यही सब चल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, एंड इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। तो बाय बाय गाइस, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाकी पीछे चल रहा है गाना।
चक है तू हाई चक्का चक, ये वाला गाना चल रहा है गाइस। तो आप भी इंजॉय कर लो फालूदा, बाकी बाय।